क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता। श्वेता, अच्छा नाम। देखो ना, शहर में कितनी भीड़ है, लोग चलते ही रहते हैं। मुझे तो कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं दिखाई दे रही है। सब ठीक है ना? Just waiting for my result. देखो बेटा, आंसुओं को बहने देना चाहिए, रोकने से और दर्द बढ़ता। We human beings are such a confused lot. सच में अजीब हैं हम लोग। सामने वाला क्या सोचेगा ये सोचकर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अपनों के सामने कंट्रोल करते हैं, बाहर वालों के सामने कंट्रोल, घर में कंट्रोल, ऑफिस में कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंट्रोल, पब्लिक प्लेसेस में कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नथिंग एल्स बट कंट्रोल। मुझे लगता है कि घर का बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां हमें कोई जज नहीं करता। शीशे के सामने खड़े होकर हम अपने आंसुओं को बहने देते हैं, रोकर पीटकर चिल्लाकर नॉर्मल होने को ट्राई करते हैं। कभी कभी किसी अनजान के साथ दिल खोलकर बात करने से सुकून मिलता है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम्हारी हॉबी है हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में आके रोना। देखा, आई टोल्ड यू ना, स्ट्रेंजर समटाइम्स कैन मेक थिंग्स हैपन टू यू। देखो श्वेता, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूं। आजकल मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा उनकी दवाइयों की चिंता होती है, ज्यादा टेंशन होती है, तो उनकी खिटखिट से भी मैं फ्री। ऑन मोस्ट डेज। बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे, अपनी अपनी लाइफ जी रहे। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। अंकल जी, आपसे एक बात पूछो। आप पूछो। आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप पापा बनने वाले हैं? सच कहूं, फटी पड़ी थी। है ना, मेरी भी। मुझे लगा कि बस मैं ही कैसी हूँ जो ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। फिल्मों में देखते ना कि हीरोइंस फूले ना समाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत डरी हुई भी हूँ। बहुत मिक्स फीलिंग्स है, बहुत ही ओवरपावरिंग फीलिंग है। घर से जब हॉस्पिटल आ रही थी, देन मैं बस यही होप कर रही थी कि काश ये फॉल्स अलार्म हो। लेकिन टेस्ट और स्कैन जब हो रहे थे, देन you know there was a part of me that wanted it, you know, and I want to be a mother. ye samajh rahe na main kya kehna cha rahi hu? phir dil aisa ajeeb sa baith gaya ki kya main itni badi responsibility ke liye taiyar hu? ghar se nikalte samay apne husband ko daant bhi diya maine. khair usme kuch nayi baat nahi hai, ghar ghar ki kahani. So yes, I'm a complete emotional wreck and दिमाग में बहुत confusion है। I hope you understand मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं ready नहीं हूँ, और माँ बनने के बाद ये added responsibility and मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी भी नहीं, and ये जो carefree जिंदगी का जो ख्याल है वो तो दिमाग से जा ही नहीं रहा है। मैं 36 का था जब बाप बना,
फैशनेबली लेट अगर आप फैमिली प्लानिंग के एक्सपर्ट्स की नजर से देखो। कभी भी मैं सोचता था कि अगर मुझे 2 साल और मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, ये लोन खत्म हो जाते, वो म्यूचुअल फंड मैच्योर हो जाता, लेकिन बेटा लाइफ ऐसी है, कोई भी चीज परफेक्ट टाइम पे नहीं होती। 5 साल बाद भी तुम इतनी अनश्योर होगी जितनी आज हो, ट्रस्ट मी। यू नो लाइफ एक पी का रश की जैसे होती है, गाड़ी में इतनी भीड़ होती है तो आप सोचते हैं कि अगली गाड़ी उसमें भीड़ नहीं होगी, अगली गाड़ी आती है तो उसमें भी उससे ज्यादा भीड़ होती है, तब आप सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट ट्रेन डेफिनेटली भीड़ नहीं होगी, और ऐसे करते करते सारी गाड़ियां निकल जाती हैं, जो गाड़ी मिले उसमें घुस जाओ, जगह तो बनेगी ही बन ही जाती है, बनती ही है। हम जितना लाइफ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं उतना ही लाइफ हमारा मजाक उड़ाती है। हम सब मूर्ख हैं जिन्हें लगता है कि लाइफ उनके कंट्रोल में है और लाइफ की प्लानिंग के पहिए उनके हिसाब से घूमेंगे। ऐसा नहीं होता। एंड सडनली देयर इज अ ब्रेक इन योर लाइफ, देन व्हाट यू डू, एवरीथिंग एंड्स, लेट गो ऑफ योर कंट्रोल, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सरप्राइजेस, सेलिब्रेट देम, फिर तुम्हें जिंदगी का मजा आएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एम्ब्रेस देम, डोंट फाइट। और वैसे भी हम बहुत सोचते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं कि बच्चे के आने से हमारी केयरफ्री जिंदगी खत्म हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, सारा दिन बच्चे के पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बिना टेंशन के एक दिन भी नहीं निकलता हमारा, डोंट वरी, ये सब होता ही है। यूं ही सोचते रहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता उससे। दे ऑल कम विद द गार्डियन एंजल्स टू प्रोटेक्ट देम। और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें उनकी जरूरत थी। बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को वहीं रोक दो। You miss them. You miss their cuteness, their tiny hands, their tiny legs, their love for you in their eyes. You miss everything. फिर मैं सोचता हूं कि मैं कितना बेवकूफ था, ये 36 साल वेट किया मैंने ये एक्सपीरियंस करने के लिए, and all those years are lost. फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैम योर रिपोर्ट्स। थैंक यू। यू'ल बी अ गुड मदर। यू थिंक सो? यस, आई डेफिनेटली थिंक सो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।